एग्जांपल नोटिस करो, आपके पास एक सर्किट है और उस सर्किट में ये एक बल्ब हो गया, ये बैटरी हो गई, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, ये वायर के इनसाइड क्या फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहे हैं वो शो कर रखा है, यहाँ पर एक कंडक्टर शो कर रखा है और एक इंसुलेटर शो कर रखा है। ठीक है, पहले तो डिफरेंस देखते हैं दोनों में, कंडक्टर में और इंसुलेटर में। कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव है, देखो फ्रीली मूव कर रहे हैं। इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव नहीं है, वो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, ध्यान दो, सिर्फ एक ही लोकेशन पर घूम रहे हैं, फ्री टू मूव नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के चारों तरफ यानी कि पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, वो फ्री टू मूव नहीं है। किसके फ्री टू मूव है? कंडक्टर के। तो अगर मैं इंसुलेटर उठाकर यहाँ पर बीच में गैप में लगाता हूँ तो बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंसुलेटर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अभी भी एक ही जगह पर घूमे जा रहे हैं, वो आगे की तरफ नहीं जा रहे, एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहे हैं, और एक डायरेक्शन में अगर फ्लो नहीं कर रहे हैं तो करंट विल नॉट फ्लो, उस केस में करंट फ्लो नहीं है। बट अगर मैं इंसुलेटर हटाकर एक कंडक्टर यहाँ पर प्लेस करता हूँ तो आप नोटिस करेंगे कि अब इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऊपर की साइड जाने शुरू हुए। देखो जरा, जब कंडक्टर यहाँ था तो इलेक्ट्रॉन्स एट रैंडम घूम रहे थे, ठीक है, जब कंडक्टर को मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये सारे के सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर गए। देखो नोटिस करो, अब सारे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिली है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, और उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने का मतलब है चार्ज फ्लो कर रहा है, और चार्ज फ्लो से क्या प्रोड्यूस होता है, बोलो, इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आपका बल्ब क्या कर रहा है, कंडक्टर नहीं है, ब्रेक है बीच में, तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स एट रैंडम एनी डायरेक्शन में फिलहाल मूव कर रहे हैं। जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हो तो उन्हें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाती है मूव करने की, और वो डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, इस वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनता है, फ्लो ऑफ चार्ज बनता है, फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है इसलिए बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो, ये किस किस को समझ आ, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, तो कंडक्टर और इंसुलेटर का डिफरेंस समझ आ गया, इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव नहीं है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव है, उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन वो डायरेक्शन लेस थे, एट रैंडम कहीं भी मूव कर रहे थे, जैसे ही आपने उसको बैटरी से कनेक्ट किया उन्हें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल गई मूव चल, एम आई क्लियर, जिसकी वजह से करंट फ्लो कर गया और बल्ब भी आपका ग्लो कर गया। यहाँ पर भी देखो, जो इलेक्ट्रॉन्स अभी एट रैंडम डायरेक्शन में घूम रहे थे वायर को जो इन्होंने ओपन करके दिखा रखा है, अब उसके भी इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जरा ध्यान से फोकस करके देखो, दिख रहा है, तो ये पैटर्न नोट कर पा रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से किसकी वजह से हो रहा है सर, बैटरी की वजह से, किसकी वजह से हो रहा है, बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको एक डायरेक्शन मिली मूव करने की, और इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊंगा, ओम्स लॉ ने ये कहा था एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जितना ज्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा किसी सर्किट से। तो अगर मैं बैटरी को बढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब मैं करंट को बढ़ा रहा हूँ, तो अब ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है मेरे सर्किट में, जिसकी वजह से बल्ब ज्यादा ग्लो हो रहा है। चेंज को नोटिस करो जरा, बल्ब का ग्लो देखना, एक बैटरी और लगा दी है, क्या बल्ब के ग्लो पर फर्क पड़ा, बल्ब का ग्लो क्यों बढ़ा है, ये बैटरी और लगा दी गई है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से करंट भी बढ़ गया, और यही तो है ओम्स लॉ, ओम ने यही तो कहा था कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ जाएगा। थोड़ा सा और बढ़ाएं, अगर हम एक बैटरी और लगा दें तो बल्ब और ज्यादा फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा तेजी से फ्लो करेंगे, देखो पैटर्न चेंज हो रहा है, और ज्यादा स्पीडली फ्लो कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा करंट, और उतना ही ज्यादा बल्ब की ब्राइटनेस, बल्ब की ब्राइटनेस पर भी फर्क पड़ता है, अगर मैं बैटरी हटा रहा हूँ या बैटरी लगा रहा हूँ तो उससे बल्ब की ब्राइटनेस पर फर्क पड़ रहा है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से या कम करने से इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ जाता है या कम हो जाता है। ये किस किस को क्लियर हो रहा है, तो ओम्स लॉ क्लियर हो रहा है सबको, बेसिक चीज क्लियर हो रही है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने साइट यूज की है, दिस इज जावा लैब, और ये आप घर पर जाकर भी गूगल की हेल्प से इसको यूज कर सकते हैं, फ्री टू यूज। यहाँ पर आपके हिसाब से ओम्स लॉ जो होता है उसमें जो करंट है किसी सर्किट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली। अब ये मैथ्स का एक बेसिक सा रूल होता है, हमने छोटी क्लासेस से भी पढ़ा है कि प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम इक्वल्स टू के साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग अ कांस्टेंट, क्या लगाना पड़ता है, तो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा रहा हूँ, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, अगर मैं इसको हटा रहा हूँ और इक्वल्स टू लगा रहा हूँ तो मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर जो ओम ने कांस्टेंट लगाया था उसको उन्होंने नाम दिया था आर, सिंबल दिया था उसका आर,
और आईज ऑफ एलईडीज आ जाएगा, ठीक है। तो ओम ने अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो वी है और आई है उनके बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर अगर आपको इक्वल्स टू का साइन लगाना है तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, और वो कांस्टेंट यहाँ पर कौन लगाया, क्या लगाया उसका सिंबल, व्हाट इज आर हियर, आर इज अ कांस्टेंट, एंड आर को जो नाम दिया ओम ने वो नाम दिया रेजिस्टेंस। क्या नाम दिया है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है? रुकावट। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे, अभी जो हमने देखा उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने में जो रुकावट आ रही होगी वो रुकावट को ही आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? हाईवे पर बहुत सारी गाड़ियां एक साथ चलती हैं, तो गाड़ियों के रुकने की वजह से बाकी गाड़ियों को भी रुकना पड़ता है। अगर कुछ गाड़ी आपस में, कोई गाड़ी टकरा गई तो पहले वो उतरेंगे, 10-15 मिनट तक लड़ाई करेंगे, उसके बाद बताएगा कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ। जब मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है, जब दोनों को पता चल जाएगा दोनों छोटे आदमी हैं, तो अपनी अपनी गाड़ी में बैठते दोनों चले जाएंगे। लेकिन वो 10-15 मिनट वहां रुके रहे ना, तो उनकी आपस में कोलिजन हुई, इस वजह से वो रुक गए, रुकावट आ गई उनके रास्ते में, है ना। सेम होता है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। हमने पढ़ा था 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 × 10⁻¹¹। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ 1 कूलम चार्ज में हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इसका मतलब एक साथ फ्लो करते हैं वायर से जब करंट फ्लो करता है, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो करेंगे तो वो आपस में भी टकराएंगे, वो पॉजिटिव चार्ज से भी टकराएंगे, वो दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल से भी टकराएंगे, और टकराने की वजह से उनके रास्ते में रुकावट आएगी। उसी रुकावट को आप क्या बोल रहे हो? उसी रुकावट को आप क्या बोल रहे हो? इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब हम रोड पर चल रहे होते हैं एक्टिवा बाइक से या कार से, तो बीच में वो स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं जगहों पर तो एक ही स्पीड ब्रेकर आता है, लेकिन कुछ जगहों पर 3-4 स्पीड ब्रेकर एक साथ आ जाते हैं, तो इसका सिंबल भी ऐसा ही है, ठीक है। जैसे स्पीड ब्रेकर्स आते हैं ना एक के बाद एक, तो हमें हल्का सा रुक रुक के चलना पड़ता है उसमें, तो हमारे रास्ते में वो क्या आ गई? रुकावट। ऐसे ही करंट के रास्ते में भी जब करंट फ्लो करता है, मतलब चार्ज फ्लो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो वो आपस में भी टकराते हैं, दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स से भी टकराते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा थोड़ा सा रुक रुक के चलते हैं, यानी कि उनके रास्ते में क्या आती है? रुकावट। वो कितनी रुकावट आ रही है उसी को क्या बोलते हैं? सिंबल। किसने बताया था इसके बाद? इसलिए इसकी साइन होती है ओम। क्या नाम है इसकी साइन? समझ आ रही बात?